नमस्कार बच्चों, आज मैं एनसीईआरटी बेस्ड एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक छठी कक्षा के यूनिट 8 की एक कहानी राजा का हिस्सा सुनाऊंगी, तो आप सब गौर से सुनिएगा। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत न जोता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। राजा ने कहा, अरे भाई, जरा सुनो तो, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ला दो। किसान बोला, अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जुतूंगा। राजा ने कहा। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुत गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। नहीं महाराज, यह आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। किसान ने प्रार्थना की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। तो देखा बच्चों, इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। आभार। वीडियो ने लाइक करो, तुम्हारे मित्रों ने शेयर करो और आओ वधु वीडियो जोवा माटे आ चैनल ने सब्सक्राइब करो।